नमस्कार, मैं हूं भूषण। आप देख रहे हैं द न्यूज 9X। आज 6 अगस्त 2020 है। 6 अगस्त 2020 की बड़ी खबरें क्या है? बड़ी खबरों में है राम मंदिर। 5 अगस्त बुधवार को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर की नींव रखी। इस प्रकार 492 साल का इंतजार खत्म हो गया। मौके पर देश में दीपावली सा जश्न भी मना। शिलान्यास और भूमि पूजन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ये मेरा सौभाग्य है कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मुझे बुलाया और मुझे इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनाया। वर्षों टेंट के नीचे रहे रामलला के लिए भव्य मंदिर बनेगा। टूटना और उठ खड़ा होना, सदियों से चल रहे इस क्रम से राम जन्मभूमि आज मुक्त हुई। उन्होंने भाषण की शुरुआत सियावर रामचंद्र की जय से किया। करीब 35 मिनट तक भाषण कार्यक्रम चला। इस कार्यक्रम को लेकर पूरे देश की नज़रें इस पर बनी हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राम जन्मभूमि पर शिलान्यास के लिए जाते ही विरोधियों के स्वर तीखे हो गए हैं। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया कि राम मंदिर की नींव रखकर पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री के कार्यालय की शपथ का उल्लंघन किया है। उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा है कि वे काफ़ी भावुक थे। मैं भी कहना चाहता हूँ कि मैं भी काफ़ी भावुक हूँ, क्योंकि एक मस्जिद वहाँ 450 वर्षों से खड़ी थी। इधर बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि काफ़ी वर्षों से यह विवादित स्थल रहा है, इस विवाद का अंत सुप्रीम कोर्ट ने किया है। इसके साथ ही मंदिर निर्माण के नाम पर राजनीति कर रही पार्टियों पर भी विराम लग गया है। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले की जाँच अब CBI करेगी। केंद्र सरकार ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बिहार विधानसभा में इस मामले की जांच CBI से कराने की सभी दलों ने की थी। अब चलते हैं कोरोना अपडेट की ओर। देश में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 19 लाख से अधिक हो गई। इस बीच संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। आंकड़े बताते हैं कि स्वस्थ होने वालों का प्रतिशत 67 है। इधर बिहार में 64,000 से अधिक संक्रमितों की संख्या हो गई। इनमें से 42,000 से अधिक संक्रमित स्वस्थ भी हो गए। सबसे अधिक संक्रमित बिहार की राजधानी पटना में हैं। भागलपुर के तिलका मांझी क्षेत्र के मुंदीचक में एक किशोर को उनके मोहल्ले के युवक ने चाकू मारकर जख्मी कर दिया। घायल किशोर का नाम रोशन कुमार है। घटना के बाद आरोपी राजा को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। बंगाल के जलपाईगुड़ी से लाई जा रही शराब भरी ट्रक को नवगछिया के भवानीपुर में जब्त कर लिया गया। ड्राइवर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ड्राइवर उत्तर प्रदेश का बताया गया, उनसे पूछताछ जारी है। जमीन विवाद को लेकर वैशाली के मरीचा चौक पर तलवार से वार कर 2 लोगों की हत्या कर दी गई। मृतकों में जावेद खान और लालू खान हैं। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने आरोपी के घर और वाहन में आग लगा दी। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। पश्चिम बंगाल से चलने वाली पटना हावड़ा ट्रेन 8 अगस्त को रद्द रहेगी। 8 अगस्त को दिल्ली से जाने वाली ट्रेन भी रद्द रहेगी और 7 अगस्त को दिल्ली से बंगाल आने वाली ट्रेन भी रद्द कर दिया गया है। इधर भारी बारिश से मुंबई बेहाल है। वहां बाढ़ का नज़ारा है। वर्षा के साथ 107 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से हवाएं चल रही है। महाराष्ट्र सरकार ने अलर्ट जारी करते हुए सबको घरों में ही रहने को कहा है। अब जानते हैं बिहार में बाढ़ के बारे में। बिहार के 16 जिले में बाढ़ का कहर जारी है। लगभग 66 लाख लोग प्रभावित हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार राज्य में 121 जिलों में 1165 पंचायतों में पूर्णतः अथवा अंशतः बाढ़ है। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हवाई सर्वेक्षण भी किया और बाढ़ पीड़ितों की स्थिति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने बाढ़ पीड़ितों के बीच जाकर भी जायजा लिया। हवाई सर्वेक्षण के बाद मुख्यमंत्री दरभंगा में बाढ़ पीड़ितों के बीच हवाई जहाज से उतरे। इस बीच बाढ़ पीड़ितों के बीच चल रहे सामुदायिक किचन का मुआयना भी किया गया और सबको काढ़ा पिलाने का भी निर्देश अधिक दिया गया। बिहार में वर्षा के आसार को कम आंकना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी लगातार वर्षा के आसार मौसम विभाग ने बताया है। पटना एवं आसपास के जिलों में 30 से 40 किलोमीटर के तूफान के भी आसार बताए गए हैं। गंगा का जलस्तर बढ़ने से भागलपुर के इस्माइलपुर प्रखंड और नवगछिया से संपर्क भंग हो गया। गंगा का पानी कई घरों में घुसने लगा है। हालांकि गंगा का जलस्तर काफ़ी धीमी गति से बढ़ रहा है। कटिहार जिले के सतारे चौक से नाव द्वारा चिकनी जा रहे बाढ़ पीड़ितों की नाव महानंदा के बाढ़ के पानी में पलट गया। नाव पर 8 लोग थे, सभी बाल बाल बच गए हैं।
बिहार के खगड़िया जिला के गंडक नदी में नाव डूबने से 5 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 3 महिला और 2 बच्चे के शव मिले हैं। नाव में कुल 27 लोग सवार थे। बिहार के कटिहार में महानंदा खतरे के निशान से ऊपर चल रही है। कटिहार जिले के आजम नगर में जलस्तर खतरे के निशान से कई सेंटीमीटर ऊपर था। बिहार के पूर्णिया जिले के रुपोली प्रखंड के गरीब घाट एरिया के रुपोली कुर्सेला रोड के दोनों ओर बाढ़ का पानी लबालब हो गया है। लोगों को बाढ़ की चिंता सताने लगी है। अभी अभी खबर आ रही है कि पूर्णिया जिले में महानंदा, कनकई एवं परमान नदी के जलस्तर में भारी कमी हुई है। हालांकि इस बीच कटाव तेज हो गया है। खगड़िया जिले में नया गांव मंचखुटी में कंप्यूटर दुकान का ताला तोड़ चोरी की घटना को अंजाम दी गई। अब आते हैं बिहार की राजनीति की ओर। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है, लेकिन कोरोना काल के कारण इस पर अभी संशय बरकरार है। इस परिस्थिति में चुनाव आयोग ने एक बार फिर से तमाम राजनीतिक दलों से सुझाव मांगा है। चुनाव आयोग ने 11 अगस्त तक सभी राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार और रैलियों को लेकर सुझाव देने को कहा है। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई जांच के लिए बिहार सरकार ने सिफारिश कर दी है। इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक और मुद्दा उठाया। तेजस्वी ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की तरह ही सरकार से रामेश्वर कुशवाहा के मामले की जांच सीबीआई से करानी चाहिए। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने दिहाड़ी मजदूरों को लेकर कहा कि लॉकडाउन में मजदूरों की कमर टूट गई है। सरकार जो दावे कर रही है वह जमीन पर कुछ नहीं दिख रही है। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सुशांत की जिस तरह से मौत हुई उसको लेकर देश भर में चिंता है। उसके साथ अन्याय हुआ यह सब जानते हैं। बिहार के पुलिस अधिकारी के साथ जिस तरह से महाराष्ट्र में व्यवहार किया गया है वह उचित नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की बिहार सरकार द्वारा सीबीआई जांच की सिफारिश पर डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि बिहार पुलिस सुशांत सिंह राजपूत के केस में सीबीआई की पूरी तरीके से मदद करेगी। इस पूरे प्रकरण में सीबीआई को पूरा सपोर्ट मिलेगा। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने खुद को क्वारंटाइन कर लिया है। दरअसल रविशंकर प्रसाद 1 अगस्त की शाम केंद्रीय मंत्री अमित शाह के साथ एक बैठक में शामिल हुए थे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव अब रिम्स के निदेशक के बंगले में रहेंगे। कई सेवादारों के कोरोना से संक्रमित पाए जाने के बाद लालू प्रसाद में कोरोना के संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। इसे देखते हुए उन्हें रिम्स के पेइंग वार्ड से रिम्स डायरेक्टर के बंगले में शिफ्ट कर दिया गया है। राजद नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव की तबीयत पिछले कई दिनों से बिगड़ गई है। उन्हें दिल्ली के मेदांता अस्पताल में एडमिट कराया गया है। ये थी बिहार और बिहार से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें। खबरें कैसी लगी अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल द न्यूज 9X सब्सक्राइब करें।